मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस स्पेशल में। तो दोस्तों आज की सुबह स्कूल की ऑफिस स्कूल के पूजा घर से हो रही है, यहाँ पे भी डेली पूजा पाठ मैं आती हूँ तो कर देती हूँ। और बाकी आज बुकी भी आए हुए हैं मेरे साथ स्कूल, बहुत दिनों के बाद पढ़ने। मौसम थोड़ा बहुत मतलब अच्छा हुआ है बहुत दिनों के बाद, है ना बुकी, बारिश हुई है तो गई तो मौसम थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है तो राहत मिला है। एंड स्कूल का आज अर्ली मॉर्निंग ही मैं थोड़ा आ गई थी सारा कामकाज करके, अभी बाकी है थोड़ा बहुत क्लासों में जाके सब देखना संभालना। तब तक मैं बुगी को थोड़ा बहुत दे देती हूँ, उनको कितना बार बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ तुम भी क्लास में बैठो, बट ये बैठते नहीं है, ऑफिस में ही ये बैठते अकेले, पता नहीं क्यों बुगी मेरे साथ अच्छा लगता है क्यों, सो इनको मेरे साथ ही अच्छा लगता है। गर्मी लग रहा है, फैन ऑफ करके ही ब्लॉगिंग करना पड़ता है। सो गाइस इनको थोड़ा बहुत टास्क देके मैं चलती हूँ क्लास में, क्लास थोड़ा बहुत संभाल के फिर मिलते हूँ आपसे। गाइस बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, बहुत ज्यादा क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब सुबह के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मुझे 1 सेकंड का फ्री टाइम नहीं मिलता, और उसमें ब्लॉगिंग भाई बहुत ज्यादा टफ होता है। खुद का स्टडी, मतलब खुद का स्टडी भी करना, देन स्कूल, देन घर का काम, देन थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मस्ती सब लेके मतलब चलना, एंड देन वो भी नहीं है तो और ज्यादा काम मेरे ऊपर बढ़ गया है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के रिगार्डिंग। इवन इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है तो उसके लिए भी बच्चों का प्रिपरेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो वो भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर, वो रहते हैं तो थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ, बट अब अकेले करना पर पता नहीं वो कब तक आएंगे। और आप लोग भी गाइज बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं दीदी आप कब आए कब आएगा, क्लास वगैरह देख लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, है ना बुगी, पढ़ाई कम कर लेते हैं, है ना। और आपका ड्रेस कहाँ है, कौन सा स्कूल ड्रेस कहाँ है, स्कूल ड्रेस शूज भी नहीं है तो कहाँ है, बहुत ज्यादा बदमाश, इसीलिए स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आए। अब से आपको डेली स्कूल ड्रेस में आना होगा, ठीक है, ठीक है ना, और टाइम पे, और स्कूल वाला शूज, हाँ स्कूल वाला शूज, स्कूल ड्रेस एंड सब खरीद लेना होगा आपको पापा से बोल के, ओके। चलिए और फिर चलिए चलते हैं अपने काम पे लगते हैं, और आप लोग भी अपना अपना काम में लगे ही हम, तो चलिए गाइज मिलते हैं। तो फाइनली स्कूल छुट्टी हो गई और घर जैसे ही आए मस्त झमाझम बारिश, एकदम लग रहा है सावन का महीना आ गया है, अब लग रहा है जैसे कि हाँ भाई इस दुनिया में है, इतना ना ज्यादा गर्मी था, इतना ज्यादा गर्मी था कि लग रहा था कि लग रहा था कि भाई इस पृथ्वी पे नहीं है, कहीं और ही है, बट अब जाके यहाँ बिहार में बारिश शुरू हुई है और इतना तेज हो कि मतलब छुट्टी होने के टाइम पे तो पूरा बादल घिर चुका था, अंधेरा हो गया, तभी तो थोड़ा बहुत लाइट है लेकिन थोड़ा देर पहले पूरा अंधेरा हो चुका था और एकदम मस्त बारिश, और बारिश होता है तो हम लोग का ये जो नीचे बैल्कनी का एरिया है पूरा पानी से भीग जाता है, पीछे मम्मी भी है और बारिश का मौसम में सोच रहे क्या किया जाए, मम्मी को मैंने बोला मैं जा रही हूँ ऊपर भीगने नहाने, लेकिन सारी भीग जाता है, चलिए चलते हैं अंदर रूम में, रूम का भी मेरा यहाँ पे ही हम लोग कपड़ा डाल देते हैं, बाकी रूम से भी बहुत अच्छा नजारा आता है, रूम से भी मजा आता है दिखने में, यहाँ पे बालकनी में बैठ जाते हैं और मस्त मजा लेते रहते हैं, बारिश कम हो रही है तो किसी भी तरह जल्दी जल्दी छुट्टी करवा के घर आने, तो आज उधर ही फंस जाते लगता था, और बच्चे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि सही सलामत टाइम पे घर पहुंच जाए। हे फैमिली गुड मॉर्निंग, प्रणाम नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। तो दोस्तों आज के प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, और आज भी मैं हूँ छत पे, सुबह उठा और थोड़ा सा यू नो नया लुक थोड़ा लग रहा होगा, बट अभी मुझे मोज को भी थोड़ा सा ट्रिम करना है, सेटअप करना है, तो मैंने गाइज यहाँ पर बहुत सारे कपड़े धोए आज सुबह ही उठ के काम पर लग गया था, और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट भी बनाया था जिसमें मैं एक्चुअली गाइज बता दूँ कि ब्रेकफास्ट में रोटी तो मेरे से बन नहीं पाता है और टाइम भी लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने चावल दाल फ्राई किया था, उसमें मटर आलू प्याज खूब अच्छा डाल के बहुत अच्छा लग रहा था दाल भी, और बाकी सब्जी बनाई थी बंदा गोभी की आलू की, और यहाँ पर देखिए गाइस क्या खूबसूरत नज़ारा है,
अभी हल्की हल्की झमाझम बारिश हो रही है, बट मैंने सोचा कि चलो धूप अभी आ ही जाएगा, इसलिए मैंने कपड़े पसार दिए छत पे। बाकी यहाँ पर देखिए, आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारी गाय हैं, और ये पास में एक गौशाला है, तो यहाँ पे मस्त गायें चर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा कॉलोनी में इस तरह का माहौल रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत छोटे छोटे बछड़े रहते हैं गाँव के, गाय के तो और भी बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे बचपन में नानी घर हुआ करती थी, तो मैं देखा करता था, काफ़ी अच्छा लगता था। उस समय नाना हुआ करते थे, तो गाय वाय हमेशा घर के बाहर बंधी हुई रहती थी, तो नानी घर में स्पेशली देखा, मैं अपने घर पे तो नहीं देखा हूँ। और बाकी अभी चलते हैं गाइस, अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैं जाऊँगा इंस्टीट्यूट के लिए भी, और पढ़ाने जाऊँगा। बाकी एज यूजुअल आपको पता है अकेले हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी, और बारिश का मौसम डेली गाइस, सुबह से ही बारिश होने लग रही है, और करीब करीब 12-1 बजे तक होती है, और फिर इंस्टीट्यूट के टाइम पे बंद हो जाती है, तो ये भी एक समस्या ही है। चलिए चलते हैं घर के अंदर, और लाइट भी बहुत ज़्यादा कट हो रही थी बट अभी आ गई, वरना लाइट भी बहुत ज़्यादा कट हो रही थी। और अब करेंगे गाइस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का लंच सब एक ही साथ कर लेंगे, और अभी बज रहा है करीब करीब 11 बज चुके हैं, और सुबह से कई सारा काम करना पड़ा, घर झाड़ू पोछा मारना, क्लीन करना, सब कुछ ए टू जेड। अकेले रहने पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बट एनी वैसे तो अपना रूम करता ही हूँ, बट थोड़ा सा किचन में वगैरह भी ये सब कुछ साफ़ सुथरा करना पड़ता है, थोड़ा साफ़ रहता तो अच्छा लगता है, मुझे भी ज़्यादा साफ सफाई पसंद है। बट एनी वे अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैं निकलूँगा इंस्टीट्यूट के लिए। तो बस आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहे, जो नए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ओके। तो बस मिलते हैं आपसे पढ़ाने आने के बाद, यानी इवनिंग में मिलूंगा। हे फैमिली गुड इवनिंग, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और गाइज अभी एक कांड हो गया है, इंस्टीट्यूट से पढ़ा के आया हूँ घर पे, और घर पे आया सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन 3 जो मेरे कपड़े थे, एक अंडरवियर, एक टी शर्ट और लोअर, मेरा नीचे गिर गया इधर। और इधर गाइज बहुत जंगल झाड़ी है, तो डर ही लग रहा है कि सांप वगैरह हो। तो मेरे बगल में मेरा प्रशांत रहता है, मेरा स्टूडेंट है बेसिकली, मेरे प्रशांत को बुलाया। प्रशांत बोल रहा सर देखो जुगाड़ लगा के रस्सी से कपड़े खींच रहे हम लोग, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया नहीं किया। फिर मैंने बोला कि यार क्या किया जाए, तो मैंने प्रशांत को बुलाया। और ये गाइस वही है मास है जिनका मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिरे थे। देखिए पूरी गाइस, ये हाथ देखो, हाथ देख लो इनके, पूरे पूरे फुट फाट गए थे गाइस, पूरी बॉडी इनकी, बट अभी ठीक है। और मर्द को दर्द नहीं होता कह रहा, मर्द को दर्द नहीं होता, बट देखिए गाइस कैसे आ रहे हैं हमारे कपड़े, क्या हो गया? वो थक गए अब। मैंने बोला कि देखो वो नहीं आ सकता है, बट ये बोलता है कि नहीं सर मैं खींच लूँगा। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि उधर गाइस बारिश के कारण पानी भी लगी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रुकिए ये देखो गाइस मेरे कपड़े, और इधर पानी पूरी लगी हुई, कितनी जंगल झाड़ी है, तो बहुत डर सा भी लग रहा है इधर जाने में। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर ऊपर से हैंग हो जाए, लटका के अगर खींच ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट एनी वे अभी देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं अभी हम लोग। 20 मिनट से लगभग हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और अभी बहुत सारा जुगाड़ लगा के अभी हम लोग बना रहे हैं कुछ ऐसा जुगाड़। और ये कह रहे कि भले सर आपके कपड़े फट जाए वो मंजूर है, लेकिन निकालूंगा जरूर। मैंने बोला कपड़े बाहर के तो निकाल के क्या करेगा भाई। ये भी जुगाड़ू लड़का है पूरा एकदम, देखो भाई अभी पूरा काम चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद एक कपड़ा मेरा ये देख लो गाइस ऊपर आ गया, और बहुत ज़्यादा खुश, बस ये गिर ना जाए किसी तरह। भाई साहब बढ़िया से बढ़िया जा। ओ भाई मेरे साथ गिर गई यार, एंड पे आगे गिर गई सर। ये मैं सोचा हाथ लगा के किसी तब तक गिर गई, भाई अब क्या होगा यार, शिट आ जाएगी, उम्मीद तो होगी साले बिम्बर आज मेरे से यही करवा। भाई यार मच्छर भी काट रही है, पता है बरसात का मौसम है, गई छत पे इधर उधर कहीं कहीं पानी जमा है साला, वो मच्छर काटते लगता है मलेरिया लबेरिया वाले मच्छर है, काट काट के भाई जान ले लेंगे। कान गर्म कर दिए यार, कान लाल हो गया, फिर ये बाजू पे काट लिया मच्छर भाई यार। ओ माय गॉड, कहीं देखो दिखाता हूँ कैसे मच्छर ने काटा है, ये लाल हो गया यार, दोदरा टाइप का हो जाता है ना, फूल गया पूरा। मेरे कपड़े कैसे आएंगे गाइस, बहुत टेंशन हो रही है मेरे को यार, उधर जा भी नहीं सकते, और बारिश हो गई ना भाई तो पूरा कांड हो जाएगा फिर कपड़े का। गाइस मेरे कपड़े आ गए, और बहुत मेहनत करना पड़ा, करीब करीब 2-2.5 घंटे मेहनत करने के बाद, और डर लग रहा था क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है गाइस, हल्का फुल्का, और फाइनली कपड़े तो धोने पड़ेंगे। देखो ट्रिक ट्रिक ये थी गाइस,
हम लोगों ने तार घुसा घुसा के कैसे कैसे कपड़े निकाले। चलो फाइनली कपड़े आ गए, तो कपड़े का रेस्क्यू ऑपरेशन सही रहा। बाकी गाइस ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस ब्लॉग को करते हैं पर इंड। आशा करते हैं हमारे प्यारे से ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस मच्छर तो काट काट के लाल कर दिया। चलो कोई नहीं, मच्छर के नाम पे एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाय बाय, मिलता अगले ब्लॉग में।